बुंदेलखंड के दमोह जिले के ग्रामीण इलाकों में गर्मियों के दिनों में खिलने वाला पलास का पौधा आयुर्वेद में ब्रह्म वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई प्रकार के एंटी माइक्रोबियल और कसेली गुण पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो स्किन की समस्या को दूर करने में प्रभावी हो सकते हैं। पलास के फूलों का पेस्ट स्किन पर लगाने से स्किन के संक्रमण को दूर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जो भी होली के दौरान पलास के फूलों से तैयार प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल करेगा उसकी स्किन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, पलास आयुर्वेद में इसको ब्रह्म वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है पलास से उत्पत्ति से पेड़ों की हुई, ये बहुत ही पूजनीय वृक्ष है। इसके पत्तों से लेके फूलों और जड़ों इन सब का उपयोग किया जाता है। देखिए, अभी होली का समय आ रहा है तो होली में एक प्राकृतिक कलर जो है अपना इसी से बनाया जाता था। पहले इसके फूलों को निकाल के घड़े में रख के पानी में उबाला जाता था। तो कई आयुर्वेद वाले मानते हैं कि जो इसका फल जो फूल है इसका रस जो है इसके लिए बड़ा फायदा करता है, ना कभी इसको नुकसान करता है अपने शरीर को। किसी प्रकार से इसको पाउडर बना के गुलाल रूप में भी इसको उपयोग किया जा सकता है। साथ ही अपने पुराने जमाने में इसी का एक बोलते ब्रोस बना के इसकी मतलब जड़ों का पुताई की जाती है। तो एक्चुअल में क्या है कि पलास की जड़ है, इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि पुराने ज़माने में इसकी चूने से पुताई करते थे। तो अपने घर में बैक्टीरिया पर जो बैक्टीरिया मकौड़े वगैरह जीव जंतु वगैरह प्रवेश नहीं करते। साथ ही इसकी छाल का भी बहुत अच्छा उपयोग है, इसके पुष्प का भी उपयोग है। कई बार इसके पुष्पों को अपन शुगर या किडनी रोगों में अच्छा उपयोग देखा गया है। चुनिंदा वैद में इसका उपयोग अच्छे कैसे करते, जैसे पलास के पुष्प में कई चीज़ों की भावना देखें, जैसे नीम पत्ते की, बेल पत्ते की, करेला की भावनाएं देखें, तीन तीन भावना देखें, इसको एक चूर्ण बना के डायबिटीज़ में उपयोग किया जा सकता है। साथ ही इसके काढ़े के फूलों को काढ़े बनाकर किडनी रोगी को दिया जाए तो किडनी में भी ये क्रिएटिन लेवल को भी कम करता है। ये सब उसमें देखा गया है।